मणिपुर परे एबे पश्चिमबंग समान घटना एबे घटिछि पश्चिमबंग रे। तेबे मणिपुर रो निया शांत न होणु पुणी पश्चिमबंग रे समान घटना को नै उठिलाणी चर्चा। तेबे पश्चिमबंग रे एई भली भाबे नारी निर्यातना रो पार्श्विक चित्र सामना को आसछि, जेउठारे दुई जण महिला अर्धनग्न अवस्था रे रास्ता रे दौड़ुथिबार वीडियो बे वायरल होछि। तेबे सूचना रहिछि पश्चिमबंग रो एही घटना 3 रु 4 दिन पूर्वर मालदार पाकुआ हाट रे स्थानीय लोक माने एही दुई महिला को चोरी अभियोग रे काबू करथिले। काबू करबा परे किछि महिला दुकानी सेमानकु माड़ मारथिले। तेबे वीडियो रे दुई जण महिला अर्धनग्न होइ जोर रे दौड़ी पळाइछुथिबार दृश्य देखिबा को मिलिछि। मामला को नहीं पुलिस निकट रे कोनोसी अभियोग ए जाय होइनी। पुलिस कहिछि जे माने माड़ मारथिले से माने भय रे हुए तो अभियोग करनाती, किंतु वीडियो सामना को आसीबा परे पुलिस ताडू मामला रुचि करी तदंत बे आरंभ करिछि। तेबे एठारे प्रश्न उठछि गणतंत्र शासन रे आईन कानून कोर्ट कचेरी थाउ थाउ जनसाधारण आईन को निज हाथ को नेबाडा केते दूर ठीक। चोरी अभियुक्त पुरुष हुतु अबा महिला सेमानको काबू करी पुलिस रो जिम्मा देबा नागरिक कर्तव्य बोली कहा जाउछि। मात्र एपरि नकरी महिला को उल्लंघन करी माड़ मारिबा सभ्य समाज पे निहाती निंदनीय घटना जहाकि मणिपुर रे देखिबा को मिलिछि एही घटना रो उग्र रूप। सेपटे एही घटना उपरे मुह खोलछन्ती कम्युनिटी पार्टी रो मुख्य वृंदा कराट। कहिछन्ती दुईटा घटना केबे भी समान नहि, दुईटा घटना को केबे भी समानता सहित नियंतु नहि। एक तो मणिपुर के साथ काइंडली इसको तुलना मत कीजिए। जहाँ भी महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के हमले होते हैं इसका हम सख्त निंदा करते हैं। बंगाल की ये जो घटना है, एक आदिवासी हाट में ये घटना घटी है जहाँ एक आदिवासी महिलाओं को दूसरे आदिवासी महिलाएं या दूसरे महिलाएं उनको इस प्रकार के पीट रहे हैं और वस्त्रहीन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। ये पूरे इलाके जो है, जिस इलाके में है वहाँ बीजेपी का एक एमपी है, यहाँ बीजेपी वो इलाका अपने को समझती है और निश्चित रूप पर वहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। और ममता सरकार की जो ये लॉलेसनेस है बंगाल में उसका ये एक नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रदीप टीवी।